आज भाजपा पिछड़ा मोर्चा के असंख्य कार्यकर्ताओं व बच्चों द्वारा रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ लगाकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड शिव हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नडियाद में हुआ था व मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता सभा स्थल पर मौजूद थे, जिनमें जगदीश सोनी, विधानसभा प्रभारी सुनील पटेल, श्रीराम पिछड़ा वर्ग जिला महामंत्री लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नंदू कुमावत, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। इतना दम होना चाहिए कि अपने विरोधी भी कांप जाए। भारत माता की जय। वल्लभ भाई पटेल। बंधुओं, बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज हम उस महापुरुष की जयंती को पूरे भारत में, पूरे देश में एक साथ जोरदार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चे के द्वारा ये आयोजन, सबसे पहले मैं आप सभी युवा साथियों का पिछड़ा मंडल के, पिछड़ा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी विश्वकर्मा, सभी युवा साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने और सभी युवा छोटे युवा साथियों ने रन फॉर यूनिटी एक साथ दौड़ लगाकर इस भारत में ये अखंडता का जो संकल्प लिया है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज और ज्यादा खुशी की बात तब होती कि जो लोह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर कितनी रियासतें जो आपस में मनमुटाव रखकर